दलोकर रिपोर्ट की कोविड अपडेट लेके मैं रामी आइए नजर डालते हैं आज की कोविड अपडेट पर कोविड की अपडेट पर नज़र डालने से पहले मैं मेडिकल डिपार्टमेंट की बात करूं तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं मेडिकल डिपार्टमेंट की क्योंकि रूरल एरियाज़ में जहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल था लेकिन वो फिर भी वहाँ पहुँच लोगों को कोविड जैसी मुसीबत से निकलने का रास्ता दिखाया क्योंकि आप सभी को पता ही है कि हमारे रूरल एरियाज में कितनी प्रॉब्लम्स है चाहे आप बात करें हेल्थ को लेकर एजुकेशन को लेकर या बिजली को लेकर और भी बहुत सारे मसाइल हैं जिनकी वजह से गाँव के लोगों को बहुत सारी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं लेकिन फिर भी मेडिकल टीम वहाँ पर पहुँच कर लोगों को कोविड की मुसीबत से बचने का रास्ता दिखाया इसी के साथ मैं बात करूँ अच्छी बात यह कि फोर्टी फाइव एज प्लस का जो ग्रुप है वो वैक्सीनेशन ख़त्म हो चुकी है और अठारह प्लस की जो वैक्सीनेशन है वो चल रही है लेकिन फिर भी ऐसे कुछ लोग हैं जो बिना वैक्सीन के लेकिन मैं गुजारिश करती हूँ उन लोगों से कि वो जल्द से जल्द वैक्सीन कराएँ ताकि कोविड की जैसी मुसीबत से हमें राहत मिल सके और इसी के साथ में आज के दिन की केसेस की बात करूं तो आज के दिन डिस्ट्रिक्ट डोडा में कुल मिला के चौंतीस केस हमें देखने को मिले हैं अगर मैं बात करूं किस मेडिकल ब्लॉक से हमें कितने केसेस देखने को मिले हैं सबसे पहले मैं अगर बात करूं ठाठरी मेडिकल ब्लॉक से ठाठरी मेडिकल ब्लॉक से हमें दस केस देखने को मिले हैं असर से चार गढ़ से आठ भद्रवाह से छः और गुंदो मेडिकल ब्लॉक से हमें छः केसेस देखने को मिले हैं और अच्छी बात यह है कि आज के दिन जितने केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं उससे ज़्यादा रिकवरीज हो रही हैं और अगर मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूं तो दो सौ इकहठ केसेस हमें आज पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिले हैं अगर जम्मू डिवीज़न की बात करूं तो 115 सौ केसेज जम्मू डिवीज़न से और कश्मीर डिवीज़न से एक केसेस हमें देखने को मिले अगर रिकवरी रेट की बात करूँ पूरे जम्मू कश्मीर में की तो तीन लोग रिकवर हुए हैं और पूरे जम्मू कश्मीर में एक मौत जो एस एच एस श्रीनगर में हुई है और एक्टिव पॉजिटिव केसेस की बात करूँ तो तीन हजार तीन सौ एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं और उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द ये केसेस भी खत्म हो जाएंगे फिलहाल इतना ही डालोक रिपोर्ट के साथ बने रहें